कर्नाटक में कांग्रेस विधायक टीबी जयचंद्र की पोती ने राहुल गांधी के नाम एक चिट्ठी लिखी है। महज 7 साल की इस बच्ची ने राहुल गांधी से अपने लेटर में शिकायत की है कि उसके दादू को मंत्री क्यों नहीं बनाया गया। बच्ची ने कहा कि वो इस बात से दुखी है कि उसके दादा को कर्नाटक सरकार में मंत्री नहीं बनाया गया। उसने राहुल गांधी से अनुरोध किया कि उसके दादू को कर्नाटक कैबिनेट में जगह दी जाए। बता दें कि टीबी जयचंद्र के नाम को लेकर चर्चा थी कि उन्हें मंत्री पद दिया जा सकता है, हालांकि अंतिम समय में उनका नाम लिस्ट से बाहर हो गया। उन्हें मंत्री न बनाए जाने को लेकर कुंचितिगा समुदाय के कई लोग नाराज हैं। उनका कहना है कि कुंचितिगा समुदाय के साथ कांग्रेस ने न्याय नहीं किया है। अपने पत्र में 7 वर्षीय आरना संदीप ने लिखा, प्रिय राहुल गांधी, मैं टीबी जयचंद्र की पोती हूँ। मेरे दादा को मंत्री नहीं बनाए जाने से मैं बहुत दुखी हूँ। उन्हें मंत्री बनाया जाना चाहिए क्योंकि वो बहुत अच्छे, काबिल और मेहनती हैं। ನಂದು ತಾತ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಬೇಜಾರಾಗಿದೆ ಅವ್ರು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ತುಂಬಾ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್, ಅವ್ರ ಜನಗೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಗೆ ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ರೀಡ್ ಮಾಡಿ. 20 मई को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के अलावा 8 मंत्रियों ने शपथ ली। मंत्री पदों के लिए पार्टी नेतृत्व पर बढ़ते दबाव के साथ पार्टी ने विधानसभा का 3 दिवसीय सत्र बुलाया है। शनिवार को 24 नए मंत्रियों को शामिल कर मंत्रिमंडल विस्तार की कवायद पूरी की गई। जयचंद्र हालांकि मंत्री बनने से रह गए। उनका नाम चल रहा था लेकिन अंतिम समय पर उनका नाम सूची में शामिल नहीं किया गया। सूत्रों का कहना है कि उन्हें विधानसभा अध्यक्ष पद की पेशकश की गई थी लेकिन उन्होंने उसे ठुकरा दिया था। आरना तीसरी कक्षा की छात्रा है और जयचंद्र के दूसरे बेटे संदीप टीजे की बेटी है। उसने कहा कि हम टीवी पर समाचार देख रहे थे जब पता चला कि मेरे दादा को मंत्री नहीं बनाया गया, मैं ये देखकर रोने लगी। कर्नाटक के राजभवन में जहां शनिवार को 24 नेताओं को मंत्री पद की शपथ दिलाए जाने पर खुशी की लहर दौड़ गई, वहीं जिन कई वरिष्ठ विधायकों को 24 सदस्यों वाले सिद्धारमैया मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली उनके बीच नाराजगी राजभवन के बाहर प्रदर्शन के रूप में नजर आई। मंत्रिमंडल में स्थान नहीं मिलने से इन विधायकों के नाराज समर्थकों ने राज्यपाल के निवास राजभवन के बाहर नारेबाजी की। बेंगलुरु के अलावा तुमाकुरु के सिरा, मैसूरु, हावेरी, कोडागु और कई दूसरी जगहों पर भी प्रदर्शन किए गए। कई नाराज विधायकों और उनके समर्थकों ने अपनी नाराजगी प्रकट की। जिन लोगों ने नाराजगी जाहिर की उनमें टीबी जयचंद्र के समर्थक भी थे। आरोप लगाया गया कि कुंचितिगा समुदाय के साथ भारी नाइंसाफी की गई है क्योंकि इस समुदाय को कोई प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है। नाराज जयचंद्र ने कहा था वो पार्टी आलाकमान से मिलेंगे और इंसाफ मांगेंगे। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट। ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಬೇಜಾರಾಗಿದೆ, ಅವ್ರ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ತುಂಬಾ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್, ಅವ್ರ ಜನಗೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಗೆ ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ರೀಡ್ ಮಾಡಿ.